राजस्थान, जहां की पहचान ही है दूर दूर तक दिखाई देती बंजर जमीन और मीलों फैला रेगिस्तान, जिसकी सोने सी चमकने वाली रेत के सौंदर्य से आकर्षित पर्यटक दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। ये रेतीली जमीन सिर्फ सोने जैसी दिखती ही नहीं, बल्कि सोना भी उगलती है। जी हां, बेकार समझी जाने वाली इसी रेतीली धरती से पेट्रोलियम जैसे कीमती पदार्थ का उत्पादन भी हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान की बंजर धरती पर पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प बायोफ्यूल बनाने वाली फसलों की पैदावार भी होने लगी है, जो हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों पर हमारे देश की निर्भरता को खत्म कर सकती है। दिन ब दिन बढ़ते वाहनों और बढ़ते पॉल्यूशन के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के तेजी से घटते उत्पादन को देखते हुए अब बायोफ्यूल ही पेट्रोल और डीजल का विकल्प बन सकता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005-2006 में बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है आने वाले वर्षों में राज्य और देश को बायोफ्यूल का विकल्प तैयार करके दिया जा सके और विभिन्न संसाधनों में डीजल की जगह रतन ज्योत, करंज और अन्य पौधों से निकलने वाले तेल का बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल हो सके। भारत सरकार द्वारा हाल ही में महानरेगा की योजना में तेलीय पौधे को अनुमत कार्यों में शामिल किया गया, जिससे इसको प्रोत्साहन हेतु बहुत बल मिलेगा। क्योंकि महानरेगा में ट्रेनिंग का कार्य अनुमत नहीं है, इस हेतु अलग से राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराई है, जो पीएलए के मार्फत इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बढ़ावे हेतु हमने अभी हाल ही में इसका कन्वर्जेंस अन्य योजनाओं के साथ किया है। एसएचजी का कन्वर्जेंस राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ किया गया है एवं पौधारोपण का कार्य महानरेगा के साथ कन्वर्जेंस के साथ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है गाँव में एक आय का साधन बनेगा, उस एसएचजी की एक एडिशनल इनकम रहेगी। रतन ज्योत, जी हाँ, बेकार और जंगली समझा जाने वाला पौधा जिससे पशु भी नहीं सूंघता था, यही पौधा अब बायोफ्यूल बनाने के तौर पर काम आने लगा है। इसी रतनज्योत की खेती अब राजस्थान की बंजर समझी जाने वाली रेतीली धरती पर की जा रही है। बायोफ्यूल को प्राप्त करने के लिए रतनज्योत की उन्नत किस्म की खोज की गई। इसकी खोज करने और अनुसंधान के लिए उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की सहायता ली गई। सन 2006 के अंदर हमें बायोफ्यूल अथॉरिटी राजस्थान सरकार से एक योजना मिली थी हमको। जेट्रोफा जो प्लांट है, ये एक बायोडीजल का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इसके लिए इस पर अनुसंधान करने की ज़रूरत थी, और इसमें दो मौजूदा काम था कि एक तो ये है कि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए, जर्मप्लाज्म, जो जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो। नॉर्मली इसमें तेल की मात्रा 30-32% तक की होती है, लेकिन हमारे को ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप सर्वे करो और ऐसे पौधों को चिन्हित करें जिसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा हो। तो एक तो हमारे को ये हुआ कि एक तो कि वैरायटी का डेवलप करने का, किस्म डेवलप करें जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो, और दूसरा हमको इनकी उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करने दी। जैसे इसमें नर्सरी के इसका प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं, कि जैसे इसमें कटिंग से तैयार करना है या बीज से तैयार करना है, कौन से समय पर लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है, इसको न्यूट्रिएंट देना है नहीं देना है, इसकी प्रूनिंग कब करनी है। तो ये सब कार्य के लिए जो हमको ये कार्यक्रम दिया गया था, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट डॉक्टर चपलोत ने इस पर, वो और दूसरे साथियों ने काफ़ी काम किया है, और एक किस्म भी इन्होंने चिन्हित करी है जिसे नाम दिया गया है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से, जो है MPC राजसमंद 55 है, और इस किस्म के अंदर जो तेल की मात्रा है वो 40% के करीबन है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस किस्म के पहले तो हम लोग पौधे तैयार करें और उसके बाद में कटिंग से इसको प्रपोर्ट करें, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों तक ये दे सकें। और अभी तक ये प्लांट जो है जंगल में उग रहा है, और या हमारे जो किसान हैं वो कोई खेत में नहीं लगाता है, लेकिन वो उसके बाउंड्री के ऊपर इस प्लांट को लगाता है, एक बाड़ के रूप में ये काम करता है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि जो हमारे वेस्टलैंड्स हैं, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, और इस क्षेत्र में तो हमारे पहाड़ आपने देखे, वहाँ कहीं आपको घास का तिनका भी नज़र नहीं आ रहा है, पौधे भी नहीं है।
तो ये एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स हो सकता है। जी हाँ, राजस्थान में इसे लगाने की एक प्रमुख वजह ये भी है कि यहाँ देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक 31% बंजर भूमि है, जहाँ रतन जोत की खेती अधिक से अधिक मात्रा में की जा सकती है। बंजर भूमि जो हमारे पास राजस्थान में 41,127 हेक्टेयर पड़ी है, उनमें से 12,858 हेक्टेयर जमीन गरीब लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके जो बीपीएल के समूह बने हुए हैं उनको और ग्राम पंचायतों को लेकर के एक रतन जोत के पौधारोपण करके एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे वो बायोडीजल बना सके और बना करके और अपना उत्पादन बढ़ा सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि ये रतन जोत और करंज की खेती का लाभ गरीब व्यक्ति को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। रतन जोत को वेट से भी राज्य सरकार ने 2009 में वेट से मुक्त कर दिया गया है और राज्य सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि राजफेड और राजसंघ जो इसको 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रतन जोत को और करंज को खरीदने की व्यवस्था की है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आज राजस्थान के अंदर जो 12 जिले हैं उनके अंदर लोगों को आत्मनिर्भर बनने का और उनको जीवन स्तर उठाने का राज्य सरकार ने बेड़ा उठाया है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है। राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और सिरोही ऐसे जिले हैं जहाँ की भूमि और बरसात का अनुपात रतन जोत की खेती के अनुरूप है। पहले बंजर जमीन थी, इधर घास वास कुछ नहीं होता था, फिर बाद में मास्टर प्लांट लगाए पौधे। इससे प्लांट लगाने से ये फायदा होता सर कि जो इनके बीज आते हैं एक पौधे का 4-5 किलो बीज आता है, समूह हमारा पंचायत को बेचता है, पंचायत फिर आगे बेचती है, फिर वो पैसा आता है वो समूह के पास रहता है। तो समूह उसका पैसे का क्या कर डेवलपमेंट कराता है सर, मतलब पूरी पंचायत में जितने समूह बने हुए हैं हर जगह डेवलपमेंट होता है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की पहल के चलते राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में करीब 40 हेक्टेयर भूमि में रतन जोत की फसल लगाने का एक सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इस पैदावार से अच्छी उपज मिली। अनुसंधानकर्ताओं ने रतन जोत की अच्छी नस्ल बनाकर फसल को लगाने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया। ये जो प्लांटेशन हमने किया था 2010 के अंदर, हमने इसका नर्सरी तैयार करी थी हमने चारभुजा के अंदर, और उसका ही हमने नर्सरी तैयार करके 2010-11 के अंदर हमने इसका यहाँ पे बहुत 40-50 हेक्टेयर के हमने प्लांटेशन करवाया था। इसके अंदर जो प्लांटेशन का जो है तरीका वो बहुत ही टिपिकल जॉब है, क्योंकि यहाँ पे किसान कभी जागृत नहीं होता है कि हम रतन जोत लगाएं, क्योंकि रतन जोत के अंदर घास नहीं होती है। जब हमारी रिसर्च टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो हमने उनको गांव वालों को यहाँ पे जो SHG उनको समझाया तो हमारा जो प्लांटेशन टेक्निक है उसके अंदर हमारा घास जरूर होगी आपके अंदर। तो सबसे पहले हमने इसकी नर्सरी लगवाई, 3 महीने की जब नर्सरी हो गई थी तो हमने यहाँ पे SHG के द्वारा और वाटरशेड योजना के तहत 30 सेंटीमीटर x 30 सेंटीमीटर के खड्डे यहाँ पे हमने खुदवाए। हमने खड्डा खोदने के बाद हमने उपचार भी किया हमने इसके खड्डे का, और उसमें मिथाइल पैराथियोन का भी हमने छिड़काव किया जिससे इसके अंदर दीमक का प्रकोप नहीं हो। और हमने मानसून की बरसात के साथ जब हमारा पॉलीबैग में जो पौधे तैयार थे वो यहाँ पे हमने भेजे और वहाँ पे हमने सारी जगह पे यहाँ 40-50 हेक्टेयर में हमने प्लांटेशन किया, क्योंकि ये वैरायटी हमारी थी इसलिए मेरी देखरेख में ये सब काम करना था। हमने यहाँ पे सर्वाइवल परसेंटेज भी नोट किया, 90% हमारा सर्वाइवल परसेंटेज रहा। और रतन जोत उत्पादन के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कटाई छटाई का। यदि रतन जोत के अंदर कटाई छटाई सही समय पर हो जाए तो हमारा उत्पादन जो 500 ग्राम आ रहा है उसको हम 3 किलो तक और भी ज़्यादा हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र तो होती है 40 साल रतन जोत की, लेकिन इसका उत्पादन जो इकोनॉमिक उत्पादन जो शुरू होता है वो 5 साल बाद शुरू होता है। वैसे हम उत्पादन इसका 3 साल बाद भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो उत्पादन है वो बहुत कम आता है, तो इसलिए हमने कटाई छटाई का हमने एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला इसके अंदर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर, तो मार्च के अंदर ये कटाई योग्य हो जाता है। 15 मार्च से लगाकर 30 मार्च तक इसका कटाई का सबसे उपयुक्त समय, जब आपका पौधा घुटनों तक का हो जाता है तब ऊपर का सिकेटेड से उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद उस पौधे को ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर जो दूध निकलता है वो जमीन पर गिरता है और
उसके अंदर जो फूटान निकलती है वो फूटान अगले साल के लिए हमारे को काटने योग्य हो जाती है। जुलाई के अंदर वापस इसके अंदर फूटान बहुत बढ़िया निकल जाती है और उसके बाद दूसरे साल जाके जब मार्च का समय आता है उस समय जो फूटान निकल रही है इन फूटान को भी हम कटिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर। वो भी उपयुक्त समय जो है हमारा फूटान का वो है 15 मार्च से 30 मार्च। उस समय हमारी जो ब्रांच जो निकली है उस ब्रांच को आधा हम हटा देते हैं और आधा उस पेड़ पे रहने देते हैं। तो दूसरी बार जो कटाई करते हैं उसमें मार्च अप्रैल में करने के बाद हमारा जो जुलाई महीना आता है उसमें वापस फूटान निकलती है। वो फूटान जो है वो वापस कटने के योग्य हो जाती है अगले साल। जब हमारा मार्च महीना आता है तीसरे साल उस समय हमारी जो ब्रांचें निकली है उसमें भी हम आधा आधा ब्रांचेज उसको में से हटा देते हैं। इसको हटाने से उसमें वापस जो फूटान निकलती है तो तीन साल तक इसकी हम कटाई छटाई करते हैं तो पौधे का आकार जो है वो इस तरह का हो जाता है, ये एक छतरी बन जाती है। दूसरा, इसकी जो साइड ब्रांचेज होती है वो जमीन पर छाया नहीं मारती, उससे इसकी घास होने के संभावना बढ़ जाती है। इसमें रतनजोत में सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि इसका फूल जो आते हैं फल जो आते हैं वो बरसात के सीजन के साथ आते हैं, एक गुच्छे के रूप में फूल आते हैं। किसानों का हमेशा ये रहता है कि यार फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल कम बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या मेल से फीमेल का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है। मेल तो होता है ज़्यादा और फीमेल होती एक, इसकी वजह से इसका उत्पादन जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो हम इसकी कटाई छटाई करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, उत्पादन अच्छा आता है। एक गुच्छे के रूप में हमारे को 17 से 18 गुच्छे फल के बनते हैं और जब इसके फूल फल आ जाते हैं वो पककर तैयार हो जाते हैं नवंबर के अंदर। फल क्या करते हैं किसान लोग, हमेशा फल जो हरे कलर का होता है तब वो काटता है। हम इसको हरे कलर के अंदर हमारे को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रखा है किसानों को कि हरा के अंदर का नहीं काटना है, नहीं हमारे को जो पीला पड़ जाता है तभी हम उस फल को तोड़ना है, पीला नहीं तो काला पड़ जाए तभी तोड़ना है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, जिस जो हरा कलर का काटता है उसके अंदर तेल की मात्रा 15% होती है, जबकि काला जो होता है या पीला होता है उसके अंदर तेल की मात्रा 30 से 45% होती है। तो इस तरह से हम जो संग्रहण करते हैं इसका वो अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद हम इसका संग्रहण शुरू करते हैं। ये जो आप फल देख रहे हो ये रतनजोत का फल है जो इसके ऊपर गुच्छे के रूप में आता है और इसके अंदर जो तेल होता है वो जब हम खोलते हैं तो एक के अंदर तीन फल निकलते हैं। ये तीन जो निकलते हैं ये कहलाते हैं बीज। इन बीजों के अंदर हमारा तेल होता है लेकिन इसके अंदर जो तेल होता है वो कम निकलता है। इसके अंदर से एक गिरी निकलती है, उसके अंदर गिरी के अंदर ये तेल होता है। ये जो रतनजोत का जो पौधा होता है वो तीसरे साल तक तो हम काटते हैं, चौथे साल जाकर इसका उत्पादन शुरू होता है। उसके अंदर हमारा 500 से 1 किलो फल मिलता है। पाँचवें साल जाके हमारे को 1.5 से 2 किलो फल मिलता है। छठे साल जाके हमारे उसके उत्पादन बढ़ जाता है वो, क्योंकि पौधा जो बिल्कुल फैल जाता है तो उसके उत्पादन 2 से 3 किलो तक पे हम पहुंच जाते हैं। इसके अंदर एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारा 3 किलो आती है, कहीं 4 किलो भी आ जाती है। यदि हमारा 4 किलो फल होता है तो 3 किलो हमारे को डीजल मिलता है। राजस्थान जिले वस्तुतः है जेट्रोफा के लिए भी वरदान साबित हुआ है। जेट्रोफा का उत्पादन यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, नए उत्पादन अच्छा हो रहा है। अब तो यहाँ के जो आदिवासी और जो ग्रामीण भाई बहन हैं उनको भी रोजगार इसमें मुहैया करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को मुफीद मानते हुए यहाँ अधिकाधिक जेट्रोफा का वृक्षारोपण, ये जेट्रोफा जो है उसका लक्ष्य दिया जा रहा है, उत्पादन भी किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी किसी भी योजना के तहत जो जेट्रोफा उत्पादन का कार्य किया जाएगा वो बखूबी यहाँ संपादित होगा और उससे न केवल जो हमारी बंजर भूमि है वो हरी भरी हो सकेगी अपितु यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी व्यवसाय उनका हित पोषक हो सकेगा, उनको भी कुछ लाभ हो सकेगा। रतन जोत से बायोडीजल का उत्पादन करने का जिम्मा लिया राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स ने और इसके लिए जामर कोटरा स्थित अपने प्लांट में बायोडीजल का संयंत्र लगाया। इस रतनजोत के सीड से एक टेक्निक बायोटेक्निक बनी है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। इसके अंतर्गत इस सीड्स की जो प्रॉपर्टी है अगर आप उन्हें देखना चाहें तो इस सीड में करीब 25% से लेकर 35% तक ऑयल होता है। इस ऑयल की अगर प्रॉपर्टी देखें तो इसमें करीब 4% फ्री फैटी एसिड्स होता है और रिमेनिंग जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स हैं उस ट्राइग्लिसराइड्स को फर्दर प्रोसेस किया जाता है
बायोडीजल प्रोसेस बनाने में। इस सीड्स को जब हम लोग क्रश करते हैं तो क्रश करने के बाद करीब 75% तो इसका वेस्ट निकल जाता है, ये 75% यानी ऑयल केक निकल जाता है। इस ऑयल केक को हम लोग अलग निकाल लेते हैं। इस ऑयल केक का भी अगर स्टडी किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा एनपीके फर्टिलाइज़र है। वेस्ट निकलने के बाद 25% हमें इसका ऑयल मिलता है। इस ऑयल को फर्दर बायोडीजल बनाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। इस ऑयल को सबसे पहली प्रक्रिया इसमें सपोनिफिकेशन कराया जाता है। सपोनिफिकेशन जो करते हैं तो सपोनिफिकेशन के थ्रू हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, वो सोप मिलता है और रिफाइंड ऑयल मिलता है। इस रिफाइंड ऑयल को हम लोग ट्रांसएस्टरीफिकेशन कराते हैं। ट्रांसएस्टरीफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग मिथॉक्साइड प्लस रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। इस रिफाइंड ऑयल को जब हम लोग मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बायोडीजल बनता है। बायोडीजल प्लस ग्लिसरीन वाला पोर्शन हमें निकलता है। चूँकि हम लोग ने इसमें मिथॉक्साइड के रूप में हमने कियोच इस्तेमाल किया था, कास्टिक, इस कास्टिक को फर्दर न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट भी एक तरीके का फर्टिलाइजर है जिसकी भी अच्छी यूटिलिटी है। ये ऑयल एक्सपेलर मशीन है। इस ऑयल एक्सपेलर मशीन के थ्रू जेट्रोपा सीड्स का ऑयल निकाला जाता है। इस ऑयल एक्सपेलर की खासियत है कि इसमें की वर्म्स लगे रहते हैं, कुछ फॉरवर्ड और कुछ रिवर्स वर्म्स लगे रहते हैं। वो वर्म्स क्या करते हैं कि इस सीड के केक को आगे की तरफ धक्का देते हैं और बीच में ऑयल निकल जाता है। इस ऑयल को इस मशीन में नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है, जहाँ से डस्ट पार्टिकल्स जितने भी हैं ये डस्ट पार्टिकल्स इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स पहले वाले टैंक में डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो गए, देन शटल होने के बाद सेकंड वाले टैंक में इकट्ठा होकर आता है। शटलिंग टैंक से ऑयल सेंट्रीफ्यूज पंप के थ्रू होता हुआ फिल्टर प्रेस मशीन में आता है। फिल्टर प्रेस मशीन में जितने भी फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। फाइन डस्ट पार्टिकल रिमूव होने के बाद इन टोटियों के थ्रू अपने को क्रूड ऑयल मिल जाता है। इस क्रूड ऑयल को हम लोग इस टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। इस क्रूड ऑयल की हम लोग प्रॉपर्टी का पता करते हैं कि इसमें कितना परसेंट फ्री फैटी एसिड्स है और कितना परसेंट इसमें ट्राइग्लिसराइड्स है। ये क्रूड ऑयल का टैंक है हमारे पास। जितना भी ऑयल दिन भर सीड पिसता है उसका ऑयल हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इस ऑयल को फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए सपोनिफिकेशन कराने के लिए ये टैंक है आगे की तरफ। इस टैंक में सपोनिफिकेशन कराया जाता है। सपोनिफिकेशन यानी कि इसमें नॉन मात्रा में कास्टिक का उपयोग किया जाता है। उस कास्टिक से जो सोप बनता है उस सोप को न्यूज़ फिल्टर में फिल्टर करते हैं। वैक्यूम से इसको खींचा जाता है सोप को। ये सोप देखिए, अभी इसमें रिफाइंड ऑयल है, ये फर्दर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस रिफाइंड ऑयल को सक्शन किया जा रहा है और लोअर वाले सेक्शन में इसमें रिफाइंड ऑयल आ जाता है। इस वाल के थ्रू रिफाइंड ऑयल को आगे ट्रांसएस्टरीफिकेशन टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ट्रांसएस्टरीफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें मिथॉक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। मिथॉक्साइड कास्टिक प्लस मिथेनॉल की रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिथेनॉल इसकी रिएक्शन करके मिथॉक्साइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस मिथॉक्साइड के सॉल्यूशन को, ये मिथॉक्साइड का जो सॉल्यूशन इस टैंक में बनाया जाता है, इस मिथॉक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ये सॉल्यूशन ऐड जैसे ही किया इसको हल्का सा एजिटेट किया जाता है। अगर हम लोग इसको ज़्यादा एजिटेट कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें सोप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हल्का सा जैसे ही एजिटेट करेंगे, एजिटेट करने के बाद क्या होगा, इसका ट्राइग्लिसराइड्स जो पोर्शन है, ट्राइग्लिसराइड्स पोर्शन जो है वो आपका रिएक्शन करेगा मिथॉक्साइड से और मिथाइल एस्टर बनाएगा। वह मिथाइल एस्टर की डेंसिटी क्योंकि कम होगी ऊपर होगा और ग्लिसरीन वाला जो पोर्शन है वो नीचे शटल डाउन हो जाएगा। ग्लिसरीन वाले पोर्शन को हम लोग इस वेन वाल से निकाल लेंगे। रिमेनिंग जो हमारा बायोडीजल बना एज ए मिथाइल एस्टर, इसको मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम लोग स्पार्जिंग टैंक में काम लेते हैं, जिसके अंदर लिक्विड को हम लोग ड्राई एयर के थ्रू गुजारते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर वाला जो पोर्शन है वो उसमें उड़ जाए। और मॉइस्चर उड़ने के बाद जो भी आपका डीजल बचा है उस डीजल को हम लोग इस फिल्टर में फिल्टर कर देंगे। इस फिल्टर से इस डीजल को निकालने के बाद हम लोग टैंक में फाइनल इकट्ठा कर लेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है। बायोफ्यूल प्राधिकरण के इस अथक प्रयास को सार्थक बनाने में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग अतुलनीय है। बस अब जरूरत है इस बायोडीजल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने और लोगों तक इसे पहुंचाने की। हमारा प्रयास रहेगा कि टोटल कंजम्पशन का
5% बायोफ्यूल हम प्रोडक्ट आने वाले वर्षों में कर सकें और आम जनता को हम उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसे हमारी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आने वाले समय में राजस्थान बायोफ्यूल का बहुत बड़ा उत्पादक बनकर उभरेगा। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता छोड़कर राजस्थान स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा। बायोडीजल का उत्पादन हमारे कल को सुरक्षित करने की ओर एक ठोस कदम साबित होगा।